फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ये वाले एसएसडी के बारे में, जो कुछ इस प्रकार का है और इसमें काफी सारी कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी कंपनियां यहाँ पे हैं। तो आज हम लोग टोटली एसएसडी के बारे में बात करने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि हमारे लैपटॉप के लिए या फिर जो हम एसएसडी खरीद रहे हैं वो अच्छा है या फिर नहीं है, उसकी स्पीड क्या है। तो वो सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जो एसएसडी है वो आप लोग अच्छी तरह से, यहाँ पे मुझे पता होगा कि आप लोगों को पता होगा, एसएसडी जो होता है वो हार्ड डिस्क के 10 गुना यहाँ पे जो है कि फास्ट होता है। तो आजकल जो है सभी लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको एसएसडी ही देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग जो है कि बात करते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। और हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और भी जितने टेक्निकल इश्यूज हैं या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो छोटे मोटे इश्यूज हैं वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एसएसडी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये WD का ग्रीन एसएसडी है और ये कि WD वगैरह जो ये हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी है उसकी जो क्वालिटी है वो तो बेटर है, वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। और ये काफी कॉस्टली भी मिलता है मार्केट में। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो है कि लैबकेयर का, तो लैबकेयर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, लैबकेयर का जो एसएसडी है ये कुछ इस प्रकार का है और यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे हर एसएसडी की वारंटी यहाँ पे अलग अलग ये रेंज में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये एसएसडी है, ये एक है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का एसएसडी दिख जाएगा। और गाइस, एसएसडी जो होता है और नॉर्मली जो सर्किट वगैरह जो चीजें होती हैं वो ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है, बट हम लोगों को यहाँ पे पता करना है कि हमारा जो एसएसडी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं या फिर जो हमारे लैपटॉप में यहाँ पे लगाने वाले हैं वो एसएसडी अच्छा है या फिर नहीं। तो आज इसी के बारे में हम लोग टोटल यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो भी बने रहिएगा, वीडियो में मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है, कैसे आपको देखना है कि कौन सी एसएसडी आप लोगों के लिए यहाँ पे बेटर होने वाली है, कौन सी एसएसडी आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है कि अच्छी स्पीड आपको देने वाली है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे एसएसडी दिखा दिया, एसएसडी दिखाने के बाद मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि कुछ इस प्रकार का आपको ये देखिए, कुछ इस प्रकार का आपको मार्केट में केसिंग देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, कुछ इस प्रकार का आपको एसएसडी का जो कि यहाँ पे कंसोल या फिर जो भी आप इसको कैप वगैरह भी कह सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसको जो है कि आप लैपटॉप में लगा के और डेस्कटॉप में लगा के आप एसएसडी का स्पीड वगैरह आप इसको देख सकते हैं, आपका जो एसएसडी है वो जो है कि बेटर परफॉर्मेंस करेगा या फिर नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप पे और लैपटॉप पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि हमारा जो एसएसडी है वो कितना पावरफुल है, कितना बेटर है और कितना बेटर नहीं है, क्या चीजें हैं, तो ये सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और पूरा प्रोसेस मैं आपको वहीं पे बताने वाला हूँ। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और स्क्रीन पे आने के बाद आपको गूगल क्रोम, इंटरनेट ब्राउजर जो भी आपके पास है उसको आप ओपन करिए और वहाँ पे आप टाइप करिए क्रिस्टल डिस्क इन्फो, क्रिस्टल डिस्क इन्फो। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे कि आप क्रिस्टल डिस्क इन्फो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे तो उसके बाद आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और यहाँ पे जो इनका सॉफ्टवेयर है उसको आपको यहाँ पे इजिली डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड बटन मिलेगा आपको, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड बटन है, इसको आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जो है कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको सॉफ्टवेयर जो है कि यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद गाइज, आप लोगों को क्या करना है, ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको इजिली इंस्टॉल कर लेना है, बहुत ही इजिली यहाँ पे ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूरा डिस्क का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखने वाला है कि जितने भी डिस्क आपके लैपटॉप में लगे होंगे और उसका जो भी टेम्परेचर या फिर उसकी कंडीशन क्या है, उसका RPM वगैरह या फिर जो भी राइट रीड स्पीड जो भी है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखने वाली हैं। तो जो है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, जिप और इंस्टॉलर। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे इंस्टॉलर वाली फाइल ले लें जो कि आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि जैसे कि जो जिप फाइल होती है को एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो आप जिप फाइल ना लेके इंस्टॉलर आप ले लीजिए। इंस्टॉलर में अगर आप ये फाइल ले लेते हैं तो आपका जो है कि इजीली वहां पे इंस्टॉल। देखिए अब ये पूछ रहा है गाइस आपको कहां पे डाउनलोड करना है, तो आप किसी भी जगह पे आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहां पे डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहां पे फिर से डाउनलोड मैंने कर लिया है। एक्चुअली मेरा जो वर्जन था यहां पे कुछ ओल्ड वर्जन है, बट आप लोगों के लिए अभी जो लेटेस्ट वर्जन है कुछ वो इस प्रकार का है, तो आपको ले लेना है। उसके बाद नॉर्मली उसको जाके जहां पे अपने आपने इंस्टॉल किया है
उसको ओपन करना है डबल क्लिक करके और इसको नॉर्मली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद नॉर्मली यहाँ पे आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको आपके सिस्टम पे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे हार्ड डिस्क यानी कि जो SSD है यहाँ पे लगी हुई है। हमारा जो ये सी ड्राइव है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी ड्राइव जो हमारा एक SSD है वो हाजी कंपनी का है और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो कितना इसका कैपेसिटी है। तो यहाँ पे 256 GB का यहाँ पे उसका कैपेसिटी है और यहाँ पे आप उसका देख सकते हैं यहाँ पे टोटल होस्ट रीड ये जो आपको 7268 GB और इसका जो टोटल होस्ट राइट है ये 4139 और आप यहाँ पे देख सकते हैं DAND राइट्स जो है कि 44409 ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी और आपका जो हार्ड डिस्क है यानी कि आपका जो SSD है उसका जो यहाँ पे जो उसका कंडीशन है वो चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 100% गुड वाला जो है कि ग्रीन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये ऑरेंज या फिर 50% या 40% आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपके हार्ड डिस्क या फिर SSD में यहाँ पे बैड सेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 का जो है कि टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो आपका जो SSD है या हार्ड डिस्क है आप जो है कि उसको आप चेक करिए, यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हो गई, आपको यहाँ पे ब्रांड पता चल जाता है और ये सब सारी चीजें कि ये आपकी जो SSD है वो कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारा जो दूसरा SSD यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसमें मैंने 3 पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है DEF। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोग आते हैं देखते हैं हमारा जो यहाँ पे SSD है कुछ आपको देखने के लिए यहाँ पे जो मिल जाएगा ये भी 256 GB का है और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो 40 का ही है, यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम है, उसकी जो कंडीशन है वो भी सेम है। और यहाँ पे आप एक चीज गौर करके देखिएगा यहाँ पे जो होस्ट रीड्स और होस्ट राइट्स जो है यहाँ पे ये चीजें आपको कम देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि ये जो SSD है इसका जो स्पीड है रीड और राइट का जो प्रोसेस है यहाँ पे आपको जो है कि डाउन दिखने वाला है यानी कि कम दिखने वाला है। तो कुछ अगर आपका जो SSD है उसका जो रीड राइट वाला जो प्रोसेस है वो अगर यहाँ पे कम दिखे यानी कि 4000 वगैरह से कम यहाँ पे दिखे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो SSD है इसका जो है कि होस्ट रीड जो है कि यहाँ पे आपको 7269 अगर दिख रहा है तो ये आपका जो SSD है वो बेटर है। उसके बाद आप ये होस्ट राइट जो देख रहे हैं यहाँ पे 4100 अगर 40 दिख रहा है तो ये आपका जो SSD एकदम 100% ओके है, बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा। और यहाँ पे आप नीचे जो देख सकते हैं DND राइट, तो ये जो होता है 4409 तो ये भी जो है कि एक बेटर परफॉर्मेंस SSD का जो है कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने के लिए अगर मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये मैंने सेकंड वाला जो SSD है मैंने उस पर स्विच किया यानी कि मैंने उसको जब सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होस्ट रीड और होस्ट राइट और DND जो राइट्स है वो सब सारी चीजें यहाँ पे कम है। यानी कि मैं सीधा सीधा आपको रिकमेंड करता हूँ कि सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो ये SSD है इसका पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको बहुत ही बेकार मिलने वाला है। आप जो है कि कुछ इस प्रकार से जब भी SSD लें या फिर जब भी SSD परचेस करें या फिर जब भी SSD लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल करवाएं तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे आपको देख के लेनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे SSD में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर SSD या फिर हार्ड डिस्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जो है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।